हेलो एवरीवन। सो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टर्न पे दोनों मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, ऑल राइट। सो वी आर नाउ कॉन्फिडेंट अबाउट दैट टॉपिक कि मेल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए और जिसके क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं, ऑल राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि दिस इज अ टॉपिक ऑफ जनरल साइंस, है ना। तो सिर्फ नीट एग्जाम में ही नहीं, बाकी सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक के क्वेश्चन एटमोस्ट टाइम्स पूछे ही पूछे जाते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक विच इज नोन एज ओजेनेसिस। अब हमने मेल का तो सारा पढ़ लिया, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट फीमेल। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितना ये गायनी वाला डिपार्टमेंट है ना, गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ये पूरा का पूरा ओजेनेसिस पे बेस्ड होता है। मतलब उसकी बेसिक नीव ही यही होती है। तो इफ़ यू आर समवन कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता है इसमें, तो अ हम्बल रिक्वेस्ट इज कि काइंडली गो एंड रिवाइज योर बेसिक्स। जब आपको बेसिक्स पता होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ओजेनेसिस क्या होती है एंड व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द टू, देन दिस सब्जेक्ट इज सो इजी फॉर यू, ऑलराइट। ये टॉपिक ऐसा है कि जनरल साइंस में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए बिकॉज दिस इज द प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस फॉर लिविंग, ऑलराइट। पहली बात तो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डेफिनेटली। तो आज के टॉपिक में हम लोग मेंस्ट्रुएशन कि जो पहला पार्ट आता है ओजेनेसिस, उसकी बात करेंगे बिकॉज मेंस्ट्रुएशन इज अ टिपिकल टॉपिक। सो एवरीबॉडी इस एज में, सबको ये समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि हार्मोन किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, पीसीओडी क्या है ना, बहुत सारी चीजें, या इनफर्टिलिटी का प्राइमरी कॉज क्या है। तो अगर हमें इन सब चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज रहेगी तो वी आर गुड टू गो विद आवर स्टडीज। सो ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द स्टडीज। ऑलराइट, तो अभी हम लोग को पढ़ना है ओजेनेसिस के बारे में एंड ओजेनेसिस इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, राइट। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन एंड क्रिएटिंग अ न्यू ह्यूमन लाइफ, दिस इज द होल प्रोसेस विच इज नोन एज ओजेनेसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ओजेनेसिस जो फीमेल्स में बनती है उनकी स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंस क्या होती है। तो लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। पहली बात तो ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो एक अडल्ट मेल में प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है एंड इट विल कंटिन्यू टिल डेथ। मतलब अगर कोई मेल है, अडल्ट मेल है, तो प्यूबर्टी से उसके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है जिसकी वजह से वो स्पर्म्स बनाता है एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल होल ऑफ हिज लाइफ, है ना, पूरी लाइफ ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। बट अगर आप बात करें ओजेनेसिस की, तो ओजेनेसिस एक लौता ऐसा प्रोसेस है जो कि आपका स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो। जब हम लोग एम्ब्रियो रहते हैं, इसका मतलब जब हम खुद अपने मदर बॉडी के अंदर रहते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लासिकल डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। एम्ब्रियोनिक फेज में, यानी जब एक फीमेल है तो वो जब अपनी मदर के अंदर रहती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक फेज। उस टाइम से ही ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब जो वो ओजेनेसिस स्टार्ट होती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तभी से ओवम बनने लगते हैं क्या, तभी से वो फीमेल फर्टाइल होती है क्या। इन जनरल पॉपुलेशन और जनरल केसेस ऐसा नहीं होता है। एम्ब्रियोनिक फेज में एक फीमेल के अंदर उगोनियम, जो आप कहते हो ना उगोनिया मदर सेल, बात समझ में आ रही है, तो उगोनिया तो बन जाता है बट ओवम नहीं बनता है एंड उगोनिया इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ओवम, ऑलराइट। वो आगे चल के ओवम बनाता है, वो खुद से ओवम नहीं होता, इसलिए उस टाइम पे फीमेल्स, मतलब आप कह सकते हो फर्टाइल नहीं होती है। बट डिस्कवरी चैनल पे या इधर उधर हम लोगों ने बहुत बार ये कंसेप्ट सुना होता है कि एक 6 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है, 7 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है, तो वॉट इज दैट, दिस इज नोन एज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का क्या मतलब है? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब होता है बेटा जब उम्र से पहले प्यूबर्टी आ जाए। जनरली पहले प्यूबर्टी की जो एज होती थी वो 13-14 होती थी, जब फीमेल या मेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स चेंज होते थे और साथ में ये टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन बढ़ना स्टार्ट होता था। बट आजकल के डेट में ये प्यूबर्टी की टाइमिंग जो इन जनरल पॉपुलेशन आ गई है वो 11 ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। मतलब मेंस्ट्रुएशन भी आज की फीमेल्स को 10-11 से स्टार्ट हो जाता है माइन्यूट फॉर्म में। इसको हम लोग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। ये बेसिकली हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से होती है। तो ऐसे जो डिस्कवरी पे केसेस आपको देखने को मिलते हैं कि एक 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है और ये है और वो है, वो बेसिकली इसलिए कि अभी भी क्या है, उसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ गई है जिसकी वजह से उसमें ओवम बनने लग गए हैं और उसी टाइम पे अगर उसके साथ कोई ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट हो गया तो शी कैन बी प्रेग्नेंट, ऑलराइट। तो ये आज का डेट इतना यू कैन से डायनेमिक है कि किसी की एज देखकर कुछ भी प्रिडिक्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल, ऑलराइट। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला डिफरेंस ये है कि वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, ये एम्ब्रियोनिक फेज से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम उस टाइम फर्टाइल नहीं होते हैं, हमारी ओगोनियम मदर सेल तो बन गई होती है बट ओवम नहीं बना होता है।
इसका मतलब ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस आपका एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें कहीं पे भी हॉल्ट फेज नहीं आता, कहीं पे कोई रुकावट नहीं आती। बट ओजेनेसिस में चूंकि ये स्टार्ट बहुत अर्ली हो जाता है तो लाइफ में दो जगह पर ये रुकता है, हॉल्ट फेज में जाता है, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। क्या होता है जब आप एम्ब्रियोनिक फेज में रहते हो ना, जैसे आप ध्यान से देखो तो उगोनिया है, ठीक है, जब आप मदर के अंदर हो तो उसमें आप में उगोनिया बन गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा था कि जैसे स्पर्म अपना नंबर, स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर बढ़ाने के लिए क्या करता था भाई, माइटोसिस से डिवाइड करता था और सर्टोली सेल बनाता था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता था। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज दैट स्पेशलाइज्ड सेल जो आगे चल के आपका स्पर्म सेल बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से उगोनिया होता है, उगोनिया भी दो तरीके से डिवाइड करता है, टाइप ए सेल्स एंड टाइप बी सेल्स। ए सेल्स जो होते हैं वो आगे चल के उगोनियम बनाने का काम करते हैं, बी सेल्स जो होते हैं वो आगे चल के फॉलिकुलर सेल्स बनाने का काम करते हैं। मतलब जैसे स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही थी वैसे ही ओजेनेसिस भी चलती है। तो यहाँ पे आपके नर्स सेल क्या होंगे, फॉलिकुलर सेल्स, ऑलराइट। मेल्स में आपके सर्टोली सेल नर्स सेल कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन फीमेल्स में अगर आपसे नर्स सेल पूछा जाएगा तो दैट इज फॉलिकुलर सेल्स जो आपके ओवम को नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दो जगह ये प्रोसेस रुकता है, एक तो बर्थ से लेके जब तक प्यूबर्टी ना है तब तक ये प्रोसेस रुका रहता है, हॉल्ट फेज में रहता है। ये होती है चाइल्डहुड फेज, है ना, जब बच्ची 1-2 साल से लेके 10 साल तक बढ़ती है उस टाइम पे कोई ओवम फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, ओगोनिया होता है मदर बॉडी से ही उसके अंदर बन के स्टोर्ड रहता है उसकी ओवरी में, बट अभी वो मेच्योर नहीं है, फर्टाइल नहीं है। एक बार उसमें प्यूबर्टी आ जाती है तो जैसे मैंने मेल्स में भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि GnRH जो हार्मोन होता है उसका होता है पल्सेटाइल रिलीज। तो पल्सेटाइल रिलीज की वजह से दोनों में दो हार्मोन बढ़ते हैं, एक LH बढ़ता है, एक FSH बढ़ता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LH और FSH कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि फॉलिकल्स यानी फीमेल बॉडी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं ये हार्मोन उनको जाके स्टिमुलेट करते हैं और उनसे बनवाते हैं ईस्ट्रोजन। दिस इज वेरी क्लासिकल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर नीट एग्जाम इन द फीमेल सिस्टम कि FSH किस पे एक्ट करता है, तो फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, उनसे ग्रोइंग फॉलिकल से ईस्ट्रोजन बनवाता है। इसका मतलब जिस फीमेल के अंदर FSH की जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उसमें उतना ज्यादा ईस्ट्रोजन बन रहा होगा बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। जितना ईस्ट्रोजन बनेगा, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि उतना ज्यादा फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में एक्ने की प्रॉब्लम, वेट गेन की प्रॉब्लम, PCOD की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा होगी। ऑलराइट, तो मतलब आप एक चीज समझ सकते हो कि जिसमें ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा उसमें कहीं ना कहीं FSH भी थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करता है, तभी वो ईस्ट्रोजन बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इतना हमें बेसिक समझ में आ गया है। नाउ लेट्स मूव इनटू द टॉपिक। टॉपिक को एक बार फिर से मैंने ऊपर आपको समझा दिया। अब जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब उसका जो प्राइमरी ओसाइट होता है वो सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो रहा होता है। सेकेंडरी ओसाइट जब चेंज होने लगता है तब उसको मेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो ओजेनेसिस का बहुत ज्यादा कोरिलेशन है मेंसुरेशनल साइकिल के साथ, तो आपको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडरी ओसाइट के बाद एक फिर से हॉल्ट फेज आ जाता है ओवम बनने में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 15-16 साल की लड़की है तो उसमें सेकेंडरी ओसाइट तो बन रहा है, वो फर्टाइल तो है, बट दैट एज इज नॉट गुड फॉर प्रेगनेंसी, दिस इज नॉट हेल्दी प्रेगनेंसी, क्योंकि उसका पेल्विक छोटा है। आपने बहुत बार सुना होगा या आस पड़ोस के लोगों में, बहुत दीदी भाभी और यू कैन से चाची वॉट एवर, कई बार लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो कहा जाता है कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी कमर की हड्डी छोटी है, है ना। तो अगर किसी का पेल्विक बोन छोटा होता है तो उसमें वजाइना पूरा डायलेट नहीं होता, डायलेट नहीं होता तो उन केसेस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अर्ली जो प्रेगनेंसीज होती हैं आपकी वो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होती जितना कि आपकी 25-35 के मिड वाली होती है। अबव 35 इज ऑल्सो नॉट गुड और हेल्दी प्रेगनेंसीज होती तो हैं, ये तो मैं भी नहीं डिनाई करती भाई, जिनकी किस्मत होती है 35 के बाद भी उनमें प्रेगनेंसीज होती हैं, बट दैट इज नॉट एज गुड हेल्दी टाइम पीरियड फॉर प्रेगनेंसी एज इट इज इन 25-35 रेंज। अब आपको रीजन खुद ब खुद समझ में आएगा जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। अगर आप उसकी लॉजिक समझ जाएंगे तो यू कैन से व्हाई इट इज सेड सो, ठीक है। अब पहले आगे बढ़ते हैं ओजेनेसिस पे। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको बार बार बताया कि मेच्योर फीमेल गैमेट को फॉर्मेशन को हम लोग ओजेनेसिस बोलते हैं एंड इट इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि ओजेनेसिस एम्ब्रियोनिक फेज से स्टार्ट होती है और मेनोपॉज के एज में जाके खत्म हो जाती है, जबकि इनमें चलती है प्यूबर्टी से लेके टिल डेथ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उगोनिया किसको बोलते हैं? ओवम मदर सेल को। जैसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते थे स्पर्म मदर सेल को, वैसे यहाँ पे बोलते हैं उगोनिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। उगोनिया हर एक ओवरी में तभी बन जाती है जब वो अपने मदर बॉडी के अंदर हो। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एआर, ये एआर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि अगर एक फीमेल है तो उसमें प्यूबर्टी पे नए उगोनिया बनते हैं क्या? गलत है। प्यूबर्टी में किसी फीमेल में कोई नया उगोनिया नहीं बनता है, वो ऑलरेडी वो उगोनिया होता है जो उसने अपने मदर के अंदर जब वो थी, यानी अपने एम्ब्रियोनिक फेज में थी, तभी उसने अपने ओवरी में बनाकर स्टोर कर लिए थे। अब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिए इसको। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब लड़कियों को मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं तो डेफिनेटली एक एक ओवम रिलीज होता है। ओवम रिलीज होता है तो कहीं ना कहीं उगोनिया कम हो रहा होता है। बात समझ में आई? ओवम रिलीज होता है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उगोनिया आपका कम है, स्टोर्स कम हो रहे होंगे, क्योंकि नया तो बन नहीं रहा है। अब जितना एम्ब्रियोनिक फेज में बन गया उसी को हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपकी प्रेगनेंसी 35 प्लस की है तो वो ओवम आप में कब बना होगा, उगोनिया आप में कब बना होगा? 35 साल पहले, है ना। ये मान लीजिए 40 की प्रेगनेंसीज होती है, उसमें अबॉर्शन बहुत कॉमन होता है, अबॉर्शन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रीजन भी 40 साल की प्रेगनेंसी का मतलब हुआ कि वो ओवम जो जिस उगोनिया से बना है वो 40 साल पहले उस फीमेल बॉडी में बना है। सबसे हेल्दी ओवम जो रिलीज होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए वो 25 to 35 की एज में नॉर्मली हर फीमेल में रिलीज होता है। अब जैसे जैसे वो ओवम पुराना होता जाएगा उसमें जेनेटिक म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन के जब चांसेस बढ़ जाते हैं तो अबॉर्शन इज क्वाइट कॉमन इन दैट एज ग्रुप। ठीक है, और कैसे जेनेटिक म्यूटेशन बढ़ता है? आजकल की दुनिया में टू बी कॉल्ड, जब आप लोगों को स्पेशली फीमेल इंडिपेंडेंस और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो लोगों को ये समझ में आता है कि स्मोकिंग सिगरेट, ड्रिंकिंग एल्कोहल विद द गाइज इज एक्चुअली फीमेल इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी। इट इज नॉट सो, क्योंकि मेल्स की बॉडी में तो सिर्फ उनकी बॉडी है, अगर वो अल्कोहल पीते हैं या स्मोक करते हैं तो वो उनकी बॉडी डैमेज हो रही है। ठीक है, बट व्हेन अ फीमेल इन दिस एज ग्रुप ड्रिंक्स और स्मोक्स, व्हाट हैपन इज कि ओवरी में जो ओवम रहते हैं ना उनमें जेनेटिक म्यूटेशंस के चांसेस 40% ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उससे जो प्रेगनेंसी होगी उन बच्चों की IQ ऑलरेडी नॉर्मल बच्चों से कम होती है। तो इसलिए भाई भगवान ने हम लोग को पावर दी है एक नई लाइफ को फॉर्म करने का, तो वी कैन नॉट टेक anything which is disgusting or can create mutations in the upcoming life. All right, please, equality ke naam pe, independence ke naam pe, it's not so good to drink alcohol or smoking. ठीक है, बाकी कॉमन जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो बहुत ही ज्यादा हैं कि लंग कैंसर प्रमोट होता है, टंग कैंसर प्रमोट होता है, ओरल कैंसर प्रमोट होता है, बहुत सारी चीजें हैं, बट लेट्स नॉट गो इन टू दैट डिटेल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब जिस तरीके से आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था और इधर सर्टोली सेल बन रहे थे, उसी तरीके से ऊजेनेसिस में यहाँ आपका प्राइमरी ऊसाइट बनता है और इधर फॉलिकुलर सेल्स बन रहे होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स नर्व सेल का काम करते हैं इस केस में, अभी हम लोग डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, ऊजेनेसिस में एक और थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट होता है कि ऊजेनेसिस में सिर्फ ओवम ही नहीं ग्रो कर रहा होता है, उसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स की पैकिंग होती है, वो भी ग्रो कर रही होती है। इस डायग्राम में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं आपस में, मतलब दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉलिकल्स का भी डेवलपमेंट और ग्रोथ वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल मतलब प्राइमरी ऊसाइट जिस महल में रहता है, जिस घर में रहता है, आप ऐसे समझ लो एक प्रिंसेस है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे काम करने वाले लोग रहेंगे, नर्सेज रहेंगी, तो प्राइमरी फॉलिकल क्या है? वो महल है जिसके अंदर आपका प्राइमरी ऊसाइट रेस्ट करता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है कि जब हम लोग एम्ब्रियोनिक फेज में रहते हैं तब हमारा मान लो मिलियंस ऑफ उगोनिया बन गया, लेकिन वो अभी उगोनिया ही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज नहीं हुआ है। जब वहां से लेके हम लोग प्यूबर्टी तक रीच करते हैं तब तक वो उसी स्टेज में रुका रहता है डिवीजन, एंड दैट इज इन प्रोफेज वन ऑफ म्यूसिस वन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्राइमरी फॉलिकल इटसेल्फ। जब आप लोग प्यूबर्टी पे पहुंचते हो तो सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बच जाते हैं, बनते मिलियंस में है लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते उतने सारे फॉलिकल्स डीजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं, ऑन एन एवरेज एक फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में टोटल 400 टू 450 ओवा रिलीज करती है। ठीक है, इन एन जनरल पॉपुलेशन, कोई ज्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उनमें वेरिएशंस हैं। अब जैसे जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल नए नए फॉलिकुलर सेल्स से
सराउंड होता रहता है, नए नए ग्रैनुलोसा सेल फॉलिकुलर सेल से सराउंड होता रहता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। तो मतलब आपको दो चीज समझनी है, क्या चीजें समझनी है, एक तरफ आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ओवम है और ओवम के बाहर ये फॉलिकल है, जैसे जैसे ओवम बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, वैसे वैसे फॉलिकल का साइज भी बड़ा हो रहा है। देखो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, देन फिर फाइनली ग्रेफियन फॉलिकल जो कि मैक्सिमम है साइज में, और यहां से फिर हमारा ओविलेशन हो जाता है और ये चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस तरीके से ओवम का डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ के फॉलिकल्स भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं। और लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता है तो फॉलिकल को स्टिमुलेट कौन करता है, FSH। तो अगर FSH इसको स्टिमुलेट कर रहा है तो क्या बनवाएगा, ईस्ट्रोजन। सो ग्रोइंग फॉलिकल इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ईस्ट्रोजन इन योर बॉडी। ऑलराइट, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। टर्शरी फॉलिकल की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि टर्शरी फॉलिकल में ना क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि हम यूएसजी में देख के पहचान जाएं कि ये टर्शरी फॉलिकल है कि सेकेंडरी फॉलिकल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है टर्शरी फॉलिकल की, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये टर्शरी फॉलिकल है, मान लीजिए ये मैंने पिंक कलर से फॉलिकुलर सेल्स बनाए हैं, है ना, जैसे बहुत सारे नौकर चाकर या सब लोग घूमते हैं ना प्रिंसेस के आसपास, तो उसी तरीके से फॉलिकुलर सेल सराउंड करते हैं ओवम को। तो अगर ये फॉलिकुलर सेल है और ये बीच में ओवम है, ठीक है, तो ये फॉलिकुलर सेल्स जो है, मान लीजिए कि मैं बात कर रही हूँ टर्शरी फॉलिकल की, प्राइमरी से ग्रो करके सेकेंडरी बना चुका है, सेकेंडरी से ग्रो करके टर्शरी बना चुका है, तो यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हो ना, दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज नोन एज एंट्रम, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर टर्शरी फॉलिकल जो आपको यूएसजी में भी दिखता है। अब मैं आपको बार बार इस चीज पे स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जितनी लड़कियां होती हैं पीसीओडी की, पीसीओडी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उनमें क्या होता है पीरियड की एबनॉर्मलिटी बहुत ज्यादा होती है, 2 महीने में एक बार आ रही है, 3 महीने में एक बार आ रही है तो बहुत कम आ रही है, बॉडी पे हेयर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस उनकी बॉडी में होता है, वेट गेन कर रही होती है, एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। व्हाट हैपन टू दीज गाइज, टर्शरी फॉलिकल इनमें बहुत ज्यादा भर भर के होते हैं, बट टर्शरी फॉलिकल की आगे की स्टेज इनकी बॉडी में आती ही नहीं है, तो ईस्ट्रोजन बनता रहता है। अब जो ईस्ट्रोजन बन रहा है ना वो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, उसके साथ साथ वेरियस एक्ने प्रॉब्लम्स एंड ऑल वेट गेन को भी प्रमोट कर रहा है। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग यूएसजी में पहचानते कैसे हैं अल्ट्रासाउंड में, क्या होता है जिसकी बॉडी में जितने टर्शरी फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं ना उनमें हमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी ये एंट्रम अलग से नजर आती है, तो हम पहचान जाते हैं कि टर्शरी फॉलिकल की स्टेज में है। प्राइमरी और सेकेंडरी को आप यूएसजी में यानी अल्ट्रासोनोग्राफी में नहीं पहचान सकते, बट टर्शरी फॉलिकल्स को आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत पूछा जाता है नीट में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि आप टर्शरी फॉलिकल को कैसे पहचानोगे। तो वी हैव अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी इनसाइड टर्शरी फॉलिकल ओवम के आसपास एंड दैट इज कॉल्ड एंट्रम। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें ये भी लिखा गया है कि टर्शरी फॉलिकल जो होता है ना वो 2 लेयर में ऑर्गेनाइज हो चुका होता है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे हो तो भाई ये फॉलिकल के अंदर वाले सेल की लेयर हो गई, इसको बोल दोगे आप थीका इंटरना। क्या बोल दोगे आप? थीका इंटरना। और ये जो बाहर वाली लेयर है इसी को आप बोल देते हो थीका एक्सटरना। ये बस लेयर का नाम है बट ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई कोई भी चीज है, जैसे आप ब्रेड खा रहे हो तो उसकी 2 सरफेस होती है ना, उसी तरीके से फॉलिकुलर सेल की इनर लेयर जो ओवम के कॉन्टेक्ट में उसको थीका इंटरना बोल देते हैं, बाहर वाली लेयर को थीका एक्सटरना बोल देते हो। सो दैट इज ऑल राइट, बट द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट इज दिस एंट्रम दैट यू नीड टू रिमेम्बर। टर्शरी फॉलिकल से जब इसका वॉल्यूम और बढ़ता है तो इसको ये चेंज हो जाता है ग्रेफियन फॉलिकल में। यू कैन सी हियर ग्रेफियन फॉलिकल का एंट्रम टर्शरी के कंपैरिजन में और बड़ा है। अब इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है कि प्रेशर की वजह से ओवम रिलीज हो जाता है और यहाँ पे दोनों हार्मोन एलएच सर्ज का नाम आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज दिस एलएच सर्ज? अचानक से एलएच का पीक आया बॉडी में जिसकी वजह से वो ग्रेफियन फॉलिकल प्रेशर इफेक्ट की वजह से फट गया, तो ओविलेशन होता है उस टाइम पे। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, कई लड़कियों को मिड ऑफ द साइकिल में हल्का सा पेन होता है, मतलब मान लीजिए किसी की साइकिल, अगर देखिए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 ± 7 डेज नॉर्मल है ना, किसी को 21 दिन पे आ जाती है, किसी को 35 दिन पे आती है, ये साइकिल का वेरिएशन नॉर्मल है। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, फूड की, भाई कभी आपको अनीमिया हो गया, कभी आपने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया, बोर्ड्स के एग्जाम है, नीट के एग्जाम है, तो बहुत लोगों को स्ट्रेस से साइकिल्स में डिले नॉर्मल होता है। ठीक है, 7 दिन का, 7 दिन से ज्यादा का नहीं। अब हम लोग बात करते हैं आगे, तो क्या होता है ना, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं 40-45% जिनके साइकिल के मिड में ना उनको हल्का सा क्रैम्प वाला पेन फील होता है। जैसे नॉर्मली मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प आपका होता है वो नॉर्मल है, लेकिन उनको साइकिल के बीच में यानी 13 से लेकर 15 दिन के बीच में भी उनको हल्का क्रैम्प फील होता है, हल्का सा, 1-8 दिन के लिए हमेशा होता है उनको, या उनको ब्रेस्ट में हल्का सा पेन फील होता है और उस टाइम पे पर्टिकुलरली।
कमर में हल्का सा दर्द हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, जब बॉडी में एलएच की सर्ज आती है तो वो ग्रेफियन फॉलिकल को प्रेशर की वजह से क्या करती है, उसको ओपन करती है और उसमें से ओवम निकालती है। कौन से स्टेज में? सेकेंडरी यूसाइड स्टेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। तो जब ये ग्रेफियन फॉलिकल इस तरीके से फटता है, जब फटता है तो भाई इसके चारों तरफ अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी तो हैं, तो ग्रेफियन के चारों तरफ भी तो ब्लड वेसल्स होंगी। तो उस टाइम पे ये माइन्यूट से ब्लड वेसल्स फटती है, इसलिए पेन होता है, लोकल इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, ये ब्लीडिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वजाइना के थ्रू बाहर आए, बहुत मिनिमल सी ब्लीडिंग होती है, बट चूंकि इसमें इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं इसलिए इस टाइम पे बॉडी में पेन हो सकता है या वीकनेस फील हो सकती है, नॉजियाटिक फीलिंग आ सकती है। सबको नहीं होती बट 45-40% लोगों को ये चीज फील होती है। ठीक है, इतनी चीजें हमने समझ ली, अब बात करते हैं आगे, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर ओवम रखा हुआ है, जैसे जैसे ओवम डेवलप करेगा वैसे वैसे उसका फॉलिकल भी डेवलप करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं कि ये पूरा साइकिल है क्या, लेट्स सी दिस। अगर आप बात करो, उगोनिया है जो आपके एम्ब्रियोनिक फेज में बन चुका है, एम्ब्रियोनिक फेज में बन चुका है मतलब आप जब अपनी मदर बॉडी के अंदर हो तभी आप में मिलियंस ऑफ उगोनिया बन चुके हैं कि भाई ठीक है अब मैं आगे फ्यूचर में कोई उगोनिया नहीं बनाऊंगा, दिस इज फिक्स्ड। आप बड़े होके अब उगोनिया बना ही नहीं सकते। अल्टीमेटली जब तक आप फीटल लाइफ में हो तब तक क्या होता है, ये उगोनिया मल्टीप्लाई करता रहता है, मतलब जब तक आप अपनी मदर की बॉडी के अंदर हो तब तक ये उगोनिया अपना नंबर बढ़ाता रहता है कि भाई जितना बनना है अभी बन जाओ, बाहर एक बार निकल गए तो हम उगोनिया नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। इसमें कुछ सेल्स होते हैं टाइप ए सेल्स जिनको आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज करते हो, और बी वाले किसमें चेंज हो जाते हैं, फॉलिकुलर सेल्स में। ये तो हमें पता ही है, जैसे वहां पे स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली हो रहा था वैसे यहाँ पे उगोनिया और फॉलिकुलर हो रहा है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे ये रुक जाते हैं। यहाँ से देखिए ध्यान से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में एक लाइन कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज ओनली कंप्लीटेड बिफोर ओव्यूलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ओव्यूलेशन आपके सिर्फ प्यूबर्टी की एज में होगा, उससे पहले ओव्यूलेशन नहीं होता, उससे पहले ब्लीडिंग नहीं होती, मेंसेस नहीं आते, तो इससे पहले किसी तरीके का कोई चेंज बॉडी में होगा ही नहीं। प्राइमरी ओसाइट बन गए, वहीं पे प्रोसेस रुक गया कि जब तक आप बॉडी प्यूबर्टी के लिए अलाउ नहीं करती तब तक बॉडी में मेंसेस नहीं आएंगे, मेंसेस नहीं आएंगे तो ओसाइट को आगे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होती है मियोसिस में। ऑलराइट, इसके बाद क्या है कि आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्थ हमेशा प्रोसेस रुका हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पूछा जाता है कि ये किस में रुका रहता है, तो ये प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस में रुका रहता है। प्रोफेज वन जो होता है ना, जो स्टेज आपकी होती है मियोसिस वाले साइकिल की, उसमें ये स्टेज रुका रहता है, इस फेज में रुका रहता है। ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है कि पहला जो हॉल्ट आता है ओजेनेसिस में वो कौन सी स्टेज पे रुका रहता है, तो दैट इज प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक वन डिवीजन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही आपकी प्यूबर्टी आई तो क्या हुआ, जीएनआरएच बहुत तेजी से बढ़ा, जीएनआरएच बहुत तेजी से बढ़ा तो क्या हुआ, अब ये वाला प्रोसेस इनिशिएट हो गया। इनिशिएट हो गया तो आपको याद होगा मैं बार बार लेक्चर्स में बता रही थी कि एक जो स्पर्म मदर सेल होती है वो चार नए स्पर्म्स बनाती है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, बट ऐसा ओवम के साथ नहीं होता। एक ओवम मदर सेल फाइनली एक ही ओवम बनाता है, क्यों, क्योंकि स्पर्म को बाहर से हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करना होता है तो एनवायरमेंटल लॉस उसका ज्यादा होता है तो उसके नंबर भी ज्यादा चाहिए, बट ओवम क्या है, पूरी नए बेबी की बॉडी को फॉर्म कर रहा है, तो दैट इज अ वेरी स्पेशलाइज सेल्स जिसमें एनर्जी डेंस होना चाहिए। तो अगर हम ज्यादा सेल्स बनाएंगे तो डेफिनेटली वो एनर्जी सब में डिवाइड हो जाएगी तो उतना अच्छा एक नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एक ही को बहुत बेस्ट बनाते हैं, दूसरे को हम पोलर बॉडी के फॉर्म में निकाल देते हैं। पोलर बॉडी इंसानों में डीजेनरेट कर जाती है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट फ्रॉग वगैरह के केस में ये पोलर बॉडी उनकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप प्यूबर्टी को रीच करोगे, जीएनआरएच का हार्मोन लेवल बढ़ेगा और यहाँ पे आपका एलएच सर्ज, एलएच के साथ साथ एफएसएच हार्मोन भी बढ़ेगा। जैसे ये दोनों हार्मोन का एक पीक आएगा तो यहाँ पे आपका ओव्यूलेशन प्रमोट होगा और आपका बन जाएगा वो सेकेंडरी ओसाइट में। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी ओसाइट में आपका क्रोमोसोम नंबर 46 यानी 2N है, डिप्लॉइड है, लेकिन जैसे ही मियोसिस वन कंप्लीट हुआ तो सेकेंडरी ओसाइट में आपका क्रोमोसोम नंबर हो जाता है N, यानी फर्स्ट सेल टू बी हैप्लॉइड इन ओजेनेसिस इज सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, अब आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे जैसे आपका ओवम डेवलप कर रहा है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे जैसे ओवम डेवलप कर रहा है वैसे वैसे आपका क्या कर रहा है, फॉलिकल भी डेवलप कर रहा है। देखो ध्यान से, तो यहां पर मान लीजिए प्राइमरी फॉलिकल है, देख रहे हो कितना छोटा सा ओवम है और कितना छोटा सा फॉलिकल है, ये ग्रो करके बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ये फॉलिकल नियर मैच्योरिटी जिसको आप लोग एक नाम दे देते हो, दिस इज कॉल्ड टर्शरी फॉलिकल, है ना, इसको हम लोग टर्शरी फॉलिकल कह देते हैं। अब टर्शरी फॉलिकल के बाद फाइनली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आता है, इस स्टेज में ओव्यूलेशन होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल इज द फॉलिकुलर स्टेज जिसमें वो फटता है और ओवम रिलीज होता है।
इसका मतलब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कौन सा ऊसाइट होगा? सेकेंडरी ऊसाइट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट टू डू क्वेश्चन ऑफ योर नीट एग्जाम. ग्राफियन फॉलिकल इज द फॉलिकल जिसमें आपका ओविलेशन होता है. तो इसमें ऊसाइट की कौन सी स्टेज होती है? तो भाई ओविलेशन से पहले मुझे सेकेंडरी ऊसाइट चाहिए ना, तो यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट होता है. ठीक है, यहाँ पर आप टर्शरी फॉलिकल की बात करते हो तो यहां तक आपका, यहाँ टर्शरी फॉलिकल पे क्या होता है, प्राइमरी ऊसाइट जो होता है वो आपका चेंज होता है सेकेंडरी ऊसाइट में. जब टर्शरी फॉलिकल होता है तो इसमें पहला मियोटिक डिवीजन होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि टर्शरी फॉलिकल इज द फॉलिकुलर स्टेज जहां पे प्राइमरी ऊसाइट पे पहला मियोटिक डिवीजन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी ऊसाइट में, और टर्शरी फॉलिकल चेंज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नीड टू कीप इट इन माइंड. यहाँ पे देखिए यही चीज आपको दिखाई भी गई है कि एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट एंड टाइनी पोलर बॉडी. ये जो मियोसिस वन का डिविजन होता है ऊजेनेसिस में वो अनइक्वल होता है. स्पर्म्स में आप देख रहे थे कि चार एकदम इक्वल बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिविजन होता है. क्यों? क्योंकि फीमेल बॉडी से पूरा नया बेबी बनना है तो मुझे एक ही सेल चाहिए, लेकिन उसमें सब कुछ मुझे बहुत डेंस चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऑर्गेनली चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए. तो मैं एक ही एकदम हाईली स्पेशलाइज सेल बनाऊंगी एंड दैट इज सेकेंडरी ऊसाइट. ठीक है, एंड फर्स्ट पोलर बॉडी अभी भी ये उसी में रहता है. ठीक है, ये डिजेनरेट कर जाता है ह्यूमंस में, मैं आपको बता चुकी हूँ. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब पहला डिविजन हो जाता है, जब मियोसिस वन हो जाता है टर्शरी फॉलिकल पे, तो वो फॉलिकल किसमें चेंज हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में, जिसमें कि आपका सेकेंडरी ऊसाइट होता है. ठीक है, अब सेकेंडरी ऊसाइट के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है. भाई क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है? सेकेंडरी ऊसाइट की जो मेम्ब्रेन होती है, ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर एक स्पेशल मेम्ब्रेन आती है. अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊं तो लेट्स हैव दिस. यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ. ये सेकेंडरी ऊसाइट है ना, ये सेकेंडरी ऊसाइट है जिसमें क्रोमोसोम नंबर एन हो चुका है. ये ओवम की खुद की मेम्ब्रेन है, और ओवम की खुद की मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन आ जाती है जो कि नॉन सेलुलर है, मतलब सेल से नहीं बनी हुई है. इट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा. दिस लेयर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोगों को आपने सुना होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज अ वेरी हॉट एंड बर्निंग क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम की व्हाट इज दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है नॉर्मली हमारी प्रेगनेंसी शुड इम्प्लांट इनटू द यूट्रस, है ना. यूट्रस में आपका स्पेस होता है जहाँ पे बच्चा डेवलप करता है, ग्रो करता है 9 महीने. अगर किसी की प्रेगनेंसी फिलोपियन ट्यूब में चिपक जाए तो, या यूट्रस के नीचे सर्विक्स में आके इम्प्लांट करे तो वो प्रेगनेंसी कभी टर्म तक नहीं जाती, वो हमेशा अबॉर्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं होता तो बच्चा डेवलप ग्रो नहीं कर पाएगा. वो 2-3 महीने की प्रेगनेंसी होती है, वो अबॉर्ट कर जाती है. कई बार ये केसेस इतने फेटल होते हैं कि फीमेल का फिलोपियन ट्यूब रप्चर कर जाता है एंड फीमेल विल लैंड अप इनटू शॉक, है ना. तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर ऑल दोज प्रेगनेंसीज जो कि यूट्रस को छोड़ के कहीं और बच्चा इम्प्लांट कर जाए, चाहे सर्विक्स में करे चाहे फिलोपियन ट्यूब में करे. अब उसमें कॉमन डिफेक्ट क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन. ओवम की मेम्ब्रेन को बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन. ठीक है, ये नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन की तरह होती है. उसके बाहर एक नॉन सेलुलर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा जब तक ओवम के ऊपर चिपकी है तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता. जब जोना पेलुसिडा इसके ऊपर से हट जाएगी तो ओवम चाहे किसी भी जगह हो फर्टिलाइज, वो वहीं चिपक जाएगा. फर्टिलाइज्ड ओवम जैसे ही जोना पेलुसिडा उसके ऊपर से हटेगी वो वहां चिपक जाएगा. अगर ये फिलोपियन ट्यूब में हट गई तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है. अगर ये नॉर्मल यूट्रस में आकर ये लेयर हटी तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोना पेलुसिडा. और यहाँ पे एक टर्म जो बार बार पूछा जाता है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्टैंड फॉर इम्प्लांटेशन एट एनी साइड अदर देन यूट्रस. यूट्रस के अलावा कहीं भी इम्प्लांट करे, वेदर इट इज फिलोपियन ट्यूब, वेदर इट इज सर्वाइकल, तो वो एक्टोपिक काउंट होता है. उसमें दिक्कत यही है कि जोना पेलुसिडा या तो पहले हट गई या तो बाद में हटी, तो वो प्रेगनेंसीज हेल्दी नहीं होती. दे विल अल्टीमेटली दे विल लैंड अप इनटू अबॉर्शंस. उनका और कोई चारा नहीं होता. ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझा दी. अब हम लोग आते हैं, आगे चलते हैं. जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है ना, मैंने आपको बताया कि बहुत लोगों को पेन होता है. जैसे ही ये फॉलिकल रप्चर करता है तो आपने प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज होता है, इसलिए लड़कियों को थोड़ा बहुत पेन होता है 14 या 15 दिन पे 13 से लेके. और उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल एक बॉडी में चेंज हो जाता है विच इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम का दूसरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसको हम लोग येलो बॉडी भी बोलते हैं. येलो बॉडी क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज द सोर्स फॉर प्रोजेस्टेरोन. तो प्रोजेस्टेरोन का जो सोर्स है बॉडी में वो कॉर्पस ल्यूटियम है. इसका मतलब मान लीजिए एक फीमेल है, वो 1 वीक प्रेग्नेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम हमारी बॉडी में है, प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, प्रेगनेंसी टिकी रहेगी. जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बॉडी में कम हुआ,
pregnancy will abort. Why? Because progesterone is responsible for maintaining the endometrium. Responsible for endometrium. Endometrium की जो stability होती है, मतलब endometrium बढ़िया cushion का मोटा मोटा layer बना रहे, ताकि अगर मेरा embryo implant करे तो मेरी body इतनी strong होनी चाहिए कि उस embryo को अपने पास चिपका के रख पाए जब तक कि placenta ना बन जाए. तो जिसमें progesterone की कमी हो जाती है वो भी abort कर जाते हैं. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो अबाउट इट. ऑलराइट, सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉर्पस ल्यूटियम की फैक्ट्री क्या है. तो इट इज प्रोजेस्टेरोन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ओव्यूलेशन के बाद आपकी बॉडी में अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला डायग्राम देखा हो, अचानक से प्रोजेस्टेरोन की पीक आती है और मेंसेस से पहले प्रोजेस्टेरोन अपनी बॉडी में गिरता है. तो जब प्रोजेस्टेरोन गिरता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल. जब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन खत्म होता है बॉडी में तो हमारी बॉडी में मेंसेस आ जाते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, ध्यान से देखिए रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम लिखा हुआ है. रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, प्रोजेस्टेरोन तो है लेकिन आपके अंदर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, है ना. नॉर्मल कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म है नहीं बॉडी में, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है. तो व्हाट विल हैपन, प्रोजेस्टेरोन विल डीजनरेट. भाई जिंदगी भर वो प्रोजेस्टेरोन उतनी मोटी एंडोमेट्रियम की लेयर थोड़ी बना के रखेगा, वो डीजनरेट कर जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ फिर से ये साइकिल रिपीट होगी. इसी का अब हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, जहां पे आपको कंपैरिजन मोड में मैं आपको दिखाती हूँ कि ओजेनेसिस कैसे चलती है और साथ में फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे चलता है. जब आप एम्ब्रियोनिक फेज में हो उसी टाइम पे आप में उगोनिया बन चुके होते हैं जो कि प्राइमोडियल फॉलिकल मतलब प्रिमिटिव फॉलिकल के अंदर होते हैं. यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि ये चीजें आपके चलती हैं एम्ब्रियोनिक फेज में. एम्ब्रियोनिक फेज का मतलब जब आप अपनी मदर बॉडी के अंदर हो तभी आप में उगोनिया बन चुका होता है, उससे ज्यादा उगोनिया आप में नहीं बनता. प्राइमरी ओसाइट स्टेज में आके प्रोफेज वन ऑफ मायोटिक डिवीजन, यहाँ पे आपकी साइकिल रुक जाती है, हॉल्ट फेज में आ जाती है. हॉल्ट का मतलब रुक गई. और यहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर आपके बेसिकली जो उगोनिया है वो पड़ा हुआ है. अब जब तक आप चाइल्डहुड फेज में हो ओवरी इनएक्टिव रहती है, बढ़िया एकदम बच्चों की तरह खेलो, तभी तो उसमें सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स नहीं आते क्योंकि ईस्ट्रोजन एक फीमेल को फीमेल बनाता है. अब ओवरी एक्टिव ही नहीं है तो क्या कोई फीमेल में ईस्ट्रोजन बनेगा? ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा, फीमेल जैसा उसमें बॉडी के चेंजेस नहीं आएंगे. एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब ये प्रोसेस आपका इनिशिएट होता है तो आप में बनता है प्राइमरी ओसाइट जो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर रहता है. साइज देख लीजिए इसका, बहुत छोटा सा है. अब प्राइमरी ओसाइट जो है वो कौन से फॉलिकल में रहता है? प्राइमरी फॉलिकल में रहता है. और धीरे धीरे आपके फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे आपका GnRH इंक्रीज करता है. GnRH इंक्रीज करने की वजह से आपका प्राइमरी ओसाइट बनता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. अब यहाँ पे पहली बार प्राइमरी ओसाइट पे होता है आपका Meiosis 1. Meiosis 1 जब कंप्लीट होता है तो ये एक अनइक्वल डिवीजन है जिसमें कि एक सेकेंडरी ओसाइट बनता है, एक पोलर बॉडी होती है जो कि डाई कर जाती है और आपका मैच्योर फॉलिकल बन जाता है जिसको आप लोग दूसरे नाम से जानते हो, विच इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल. मैच्योर फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इसके बाद ये चीज टर्शरी फॉलिकल में चेंज होती है. मैच्योर फॉलिकल एक्चुअली टर्शरी को कहते हैं, सेकेंडरी से मान लो ग्रोइंग सेकेंडरी को कह रहे हैं तो मैच्योर वाला टर्शरी को कहेंगे. क्योंकि पहली बार सेकेंडरी ओसाइट बनता तभी है जब फॉलिकल टर्शरी से लेके ग्रेफियन में चेंज हो रहा हो. ग्रेफियन फॉलिकल इज दी एक्चुअल फॉलिकल जिसका साइज मैक्सिमम हो चुका होता है जिसमें से कि आपका बेसिकली ओवम रिलीज होता है, ओविलेशन होता है. तो ग्रेफियन फॉलिकल इज दी वन जिसमें ओविलेशन होता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ ओविलेशन के बाद क्या है? इसका मतलब अगर कोई फीमेल रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव है, जैसे कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, है ना, अभी अनमैरिड है तो दे आर नॉट प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसीज, तो उनकी बॉडी में सेकेंडरी ओसाइट है जो ओविलेशन के टाइम पे रिलीज हो रहा है. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट फिर से रुक जाता है, फिर से अपना मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करता है. क्यों नहीं कंप्लीट करता है? भाई जब तक फीमेल बॉडी में स्पर्म की अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन तो होना नहीं है. फर्टिलाइजेशन नहीं होना, इम्प्लांटेशन नहीं होना, बच्चा नहीं बनना. तो वाई टू वेस्ट दैट प्रोसेस? मियोसिस 2 को हम क्यों करवा के वेस्ट करें? इसीलिए जब यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लड़कियां हैं बट दे आर नॉट प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसीज तो उनकी बॉडी में ओविलेशन में जो रिलीज होता है दैट इज सेकेंडरी ओसाइट, ओवम नहीं रिलीज होता है. जैसे ही आपकी बॉडी में स्पर्म का कॉन्टैक्ट आएगा, जैसे ही मान लीजिए स्पर्म आया, अब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, स्पर्म का कॉन्टैक्ट आएगा तुरंत ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और बनाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी और नया ओवम, और ओवम से तुरंत फर्टिलाइजेशन होगा जिससे आपका जाइगोट बन जाएगा. ये इसलिए होता है ताकि भाई हमको मेंसेस में जब ओवम को लॉस ही करना है तो हम मियोसिस 2 करवा के क्यों करें? उससे पहले भी तो कर सकते हैं ना. ये चेंज होता है, ठीक है, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या जब आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो. और यहाँ पे ये कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है जिसको आप लोग बोलते हो येलो बॉडी, एंड दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेस्टेरोन इन योर बॉडी. तो आई होप आपको ओजेनेसिस में जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है और जो ओजेनेटिक डेवलपमेंट है वो समझ में आए.
इसमें जो FSH होता है वो फॉलिकुलर सेल्स पे काम करके ईस्ट्रोजन बनवाता रहता है, जिससे कि बॉडी जो फीमेल की है वो फीमेल की तरह परसीव होती है, एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही चीजें कोरिलेट करके विल स्टडी मोर अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये आप ध्यान से, आपको मैं ओवम का डायग्राम भी एक बार फिर से वहां पर पढ़ा दूंगी। आई होप यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।